हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं हम लोग अभी खाना बना रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ा बारिश भी हुई है और घर के अंदर खाना नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब खाना बनाते समय धुआं होता है। तो ये थोड़ा छोटी सी पर्ची बनाई हुई है तो इसी में बना रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी कहा जाए तो काफ़ी मतलब कच्चा है, यानी गीला है बरसात की वजह से। थोड़ा मतलब कहा जाता है अभी के टाइम में खाना बनाने में, क्योंकि लकड़ी भी अभी के टाइम में थोड़ा गीली ही रहती है, कितना भी ढक के रखा जाए फिर भी उतना मतलब सूखी नहीं रह पाती, थोड़ा आग जलाने में भी परेशानी नहीं होती है। तो बरसात में आग जलाना यानी थोड़ा मुश्किल रहता है कि लकड़ियाँ उतनी सूखी नहीं रहती ना जितना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल ही रहता है। जल जा जल जा जल जा, हाँ 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 जल गई गाइस, लकड़ी जल गई है, काफ़ी मुश्किल से जलती है बरसात की लकड़ियाँ। तो गाइस ये चावल है, जैसे इसको धो लिए हैं, अब इसको जैसे मतलब ईंधन आता है इसमें का तो फिर इसके डाल देंगे, तो इतना दो लोगों के लिए काफ़ी है। तो अभी ईंधन आया नहीं, इसमें ये कंकड़ पड़ा हुआ है तो अभी ईंधन आया नहीं है, और थोड़ा आग को भी देखना पड़ता है क्योंकि अभी के टाइम में थोड़ा आग काफ़ी प्रॉब्लम होती है। गैस वैसे तो गैस है लेकिन गैस भी अभी ख़त्म है, इसलिए आज इस चूल्हे में बनाना पड़ रहा है, और चूल्हे में बनाना यानी काफ़ी मतलब बरसात के समय में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, और गैस को भी आज ही ख़त्म होना था तो आज इसी में बना रहे हैं। हाँ जल गई। तो अभी तो इसमें ईंधन ही नहीं आया, नहीं तो ईंधन आने पर ये थोड़ा बजने लगता है। तो वैसे तो पैना वाला बनाया जाता है उसमें, जिसमें ऊपर में चावल रखा जाता है, तो लेकिन वो वाला नहीं बना रहे हैं, ये वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है हम लोगों के लिए। तो आग काफ़ी अच्छी बढ़ रही है वैसे। तो गाइस थोड़ा बरसात के दिनों में आग जलाना काफ़ी मुश्किल रहता है क्योंकि उतना लकड़ी सूखी नहीं रहती बारिश में, नमी के कारण थोड़ा मतलब हर बार देखना पड़ता है कि आग कहीं बुझ ना जाए। इसमें मतलब कहा जाए थोड़ा, अब ये देख सकते हैं जैसे पुनः धीरे ही धीरे जल रही है। तो खाना तो बनने वाला है और हम बना लेते हैं कुछ सब्जी। तो सब्जी में ये है भिंडी, तो दो जने के लिए इतना काफ़ी है। तो ये भिंडी है, इसको पहले हम धो लेते हैं काटने से पहले। और कुछ भिंडियाँ ख़राब हो गई, यानी थोड़ा कड़ी हो गई हैं। तो आजकल की इन हरी सब्जियों को धोना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल की सब्जियों में कहा जाए तो ऑर्गेनिक कम रहता है, केमिकल से ज़्यादा रहता है, तो इसको अच्छी इस तरह से धोना काफ़ी ज़रूरी नहीं, जितना खाओगे नहीं उससे ज़्यादा बीमार हो जाओगे, तो काफ़ी ज़रूरी है इसको अच्छे से धोना। तो गाइस इसको मैंने अच्छे से निरमा की तरह धो डाला है, हालांकि इसमें निरमा डाला नहीं है लेकिन इससे बढ़िया मतलब अच्छे से धो डाला है। तब इसको हम साफ कर देते हैं। अरे अरे रुक जा, एक भिंडी बहुत कीमती होती है। तो यह बढ़िया दिख रही है, अब हरी हरी दिख रही है, काफ़ी अच्छे से धुल गई है। तो अब इसको हम ले चलते हैं, पहले कटिंग भी करना पड़ेगा, बिना कटिंग के भी पकाया जा सकता है लेकिन काफ़ी बड़ा रहेगा, इसलिए थोड़ा कटिंग करना ज़रूरी है। तो यह है चाकू, इसमें भी काफ़ी दार है, तो यह किनारे में पकड़ते नहीं बनते इसलिए इसमें पन्नी बांध दिए हैं ताकि जितना जल्दी हो सके तो इसमें कटिंग किया जा सके। काफ़ी नया है तो इसलिए ज़्यादा ही दार है। तभी ये मसाले हैं, मतलब ये है क्या बोलते हैं, लहसुन मिर्चा, तो इसको हमने काट लिया है, अब इसको काटते हैं। और उससे पहले हम काट लेते हैं टमाटर को, टमाटर कुछ इस प्रकार है।
पूरी भिंडी कट गई है, ये देख सकते हैं। तो उतना खैर पूरी तरह गोल नहीं कटी क्योंकि मेरे को उतना काटना नहीं आता है। तो अभी कुछ लाइट भी गोल है, थोड़ा अंधेरा है इधर घर में और यहाँ पर बनाया नहीं गया है। तो चलते हैं इसको ले चलते हैं क्योंकि खाना तो बन चुका है, तो अभी सब्जी ही बनानी बाकी है। तो ये तड़का रेडी हो रहा है इस सब्जी के लिए, तो जैसे वो रेडी हो जाएगा तो इसको डाल देंगे और इसको भूनना शुरू करेंगे, मतलब जब तक ये पूरी तरह गल ना जाए या जल ना जाए इस प्रकार। अभी तो काफ़ी अच्छे से ऐसे आग बन रही है, यानी जल रही है। जैसे ये आग थोड़ा बन जाती है तो काफ़ी अच्छे से जलने लगती है। शुरू में थोड़ा परेशान करती हैं, तो अभी हम जाते हैं नहाने के लिए क्योंकि आज काफ़ी खास दिन है। दोस्तों अभी हम फलनी नहा लिए हैं और अभी खाना तो खाए नहीं है, बस नहा लिए हैं, तेल कंघी कर लिए हैं। और दोस्तों आज काफ़ी खास दिन है क्योंकि आज है 15 अगस्त यानी आज़ादी का दिन। तो आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।